पिछले एपिसोड में आपने देखा कि ऐश पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के सारे टास्क कंप्लीट कर लेता है, जिसके बाद वो टास्क सेंटर में जाकर सबसे पहले सेप्टाइल और सरीना से मिलता है जो कि अब ठीक हो चुका था। फिर ऐश पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप का सर्टिफिकेट ले लेता है जो कि एक दिन में स्टार्ट होने वाली थी। ऐश को ओल्ड मैन भी देखने को मिलता है जिसने पास्ट टास्क कंप्लीट कर लिए थे। उसका लास्ट टास्क था एक अननोन ट्रेन को डिफीट करना। अब आगे ऐश ओल्ड मैन को बोलता है कि कल टास्क सेंटर क्लोज हो जाएगा और हमें परसों पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना है। अगर तुम ये टास्क कल तक नहीं कर पाते हो तो तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ब्रॉक बोलता है कि एक पोकेमॉन ट्रेनर को डिफीट करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, बस तुम्हें इतना ध्यान में रखना है कि तुम्हें वो बैटल हारनी नहीं है। अगर तुम वो बैटल हार जाते हो तो तुम डेफिनेटली पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। ओल्ड मैन बोलता है कि ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं ऑलरेडी एक बार टास्क रिस्टार्ट कर चुका हूं, अब मैं इसके लिए तैयार नहीं हूं, मैं ये बैटल जीत कर आऊंगा। ऐश और उसके फ्रेंड्स ओल्ड मैन को गुड लक बोलते हैं और वो लोग टास्क सेंटर के बाहर आ जाते हैं। इतने टास्क कंप्लीट करने के बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स डिसाइड करते हैं कि वो लोग अब थोड़ा रेस्ट लेंगे और फिर पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप की ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। सब लेट जाते हैं और ऐश को फ्लैशबैक आने लगते हैं कि कैसे उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। बचपन में वो एक फॉरेस्ट में घूम गया था, तभी बारिश आ जाती है और वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। ऐश देखता है कि बारिश में काफी सारे पोकेमॉन गीले हो चुके हैं, उनको बचाने के लिए ऐश उनको भी पेड़ के नीचे ले आता है, जिससे ऐश को रियलाइज होता है कि उसको पोकेमॉन्स कितने ज्यादा पसंद है और तभी वो पोकेमॉन मास्टर बनने का डिसाइड करता है। अपने जर्नी के बीच में उसने काफी सारी डिफिकल्टी फेस की थी, वो पहले 6 रीजन्स में लगातार हारते गया था, फिर फाइनली वो अलोला में चैंपियन बनता है और गलार में वर्ल्ड चैंपियन। अब इतने सारे मुश्किल टास्क कंप्लीट करके ऐश पोकेमॉन मास्टर बनने के सिर्फ एक स्टेप दूर है। वो काफी सारे मिस्ट्रीज के बारे में भी सोचता है, जैसे कि वो कैलोस का पोकेमॉन ट्रेनर। ऐश को अभी भी नहीं पता था कि वो कैलोस का पोकेमॉन ट्रेनर कौन था। ऐसे ही मेमोरीज को सोचते हुए ऐश को नींद आ जाती है और कुछ टाइम बाद सब लोग उठते हैं। ऐश बोलता है कि अब काफी आराम हो चुका है, मुझे पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। सबसे पहले ऐश पोकेमॉन सेंटर जाता है और अपने 6 सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स को अपने टीम में ले लेता है, जिनको वो प्रोबेबली पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में यूज करेगा। वो उन सारे पोकेमॉन्स को आपस में बैटल करवाता है, जिससे उनकी काफी अच्छी ट्रेनिंग हो जाती है। ऐश और ब्रॉक दोनों मिलकर ऐश के पोकेमॉन्स को नया अटैक्स और नए टैक्टिक्स भी सिखाते हैं, जो कि उनको आगे जाकर काम आने वाले हैं, क्योंकि पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में हर एक ट्रेनर की टैक्टिक काफी ज्यादा ऑसम होने वाली है। ट्रेनिंग करते करते रात हो जाती है। ऐश अपने पोकेमॉन्स को बोलता है कि अब तुम्हें रेस्ट ले लेना चाहिए, बट ऐश के पोकेमॉन आराम नहीं करना चाहते थे। वो ऐश को बोलते हैं कि वो पूरी रात ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जिसके चलते वो पूरी तरह से गियर्ड अप हो पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के लिए, जिसको सुनकर ऐश काफी खुश हो जाता है। अब सब काफी ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं और थक कर सो जाते हैं। अब अगले दिन अनाउंसमेंट होती है कि टास्क सेंटर क्लोज हो चुका है और फाइनली जो ट्रेनर पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं उनकी लिस्ट लगने वाली थी पोकेमॉन सेंटर में। ऐश और उसके फ्रेंड्स जल्दी से पोकेमॉन सेंटर जाते हैं और उनको देखने को मिलते हैं कि ऐश क्वालिफाई कर चुका है। वो लोग ओल्ड मैन का नाम भी ढूंढते हैं और वहाँ पर ओल्ड मैन भी था, यानी कि ओल्ड मैन ने सारे टास्क कंप्लीट कर लिए थे। तभी वहाँ पर ओल्ड मैन आ जाता है। ऐश और उसके फ्रेंड्स ओल्ड मैन को कांग्रेट्स बोलते हैं और बोलते हैं कि तुम पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर चुके हो। ओल्ड मैन ऐश और उसके फ्रेंड्स को थैंक यू बोलता है और बोलते हैं कि मैं यहाँ तक काफी ज्यादा मेहनत करके आया हूँ, अब मैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप जीत कर ही रहूंगा, कल पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप स्टार्ट हो जाएगी और तब हमें पता चलेगा कि हमारी बैटल किससे होगी। ब्रॉक पोकेमॉन कमिटी मेंबर से बात करके आता है एंड उसको पता चलता है कि इस बार पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा पोकेमॉन ट्रेनर्स ने पार्टिसिपेट किया है, जो कि टोटल 68 है। इससे पहले इससे ज्यादा पोकेमॉन ट्रेनर्स ने कभी भी पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट नहीं किया था, जो कि काफी शॉकिंग बात है। नॉर्मली सिर्फ 20 ट्रेनर्स ही पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करा करते थे। ऐश बोलता है यह तो काफी बुरी खबर है, हमारा कॉम्पिटिशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। ओल्ड मैन बोलता है कोई बात नहीं, तभी तो मजा आएगा। ऐश और ओल्ड मैन एक फ्रेंडली बैटल करने का डिसाइड करते हैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप से पहले। ऐश के पोकेमॉन्स ऑलरेडी काफी ज्यादा थक चुके थे, इसीलिए वो अपने मेन टीम को रेस्ट दे देता है और अब वो अपने दूसरे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स का यूज करके ओल्ड मैन से बैटल करता है। अब रात हो जाती है, ब्रॉक बोलता है कि ऐश सो जाओ, सुबह 7 बजे पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप स्टार्ट हो जाएगी। बट ऐश काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है, जिसके चलते वो सो नहीं पाता, वो पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के लिए वेट नहीं कर पा रहा था। फाइनली सुबह हो जाती है, ऐश और ओल्ड मैन दोनों ही साथ में टास्क सेंटर में जाते हैं, जहाँ पर सबको चेक किया जाता है और एक एक करके सब लोग लास्ट एंट्रेंस में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर फाइनली उनको पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के रूल्स पता चलते हैं। पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप की हर एक बैटल एक 6-on-6 बैटल होने वाली है, यानी कि तुम अपने फुल टीम का यूज कर सकते हो और यहाँ पर तुम्हें कोई भी पोकेमॉन रजिस्टर नहीं करने हैं। तुम अपने जर्नी के किसी भी पोकेमॉन को यूज कर सकते हो किसी भी बैटल में। यहाँ पर एक बैटल में 3 फेनोमेना का यूज किया जा सकता है, साथ में एक ट्रेनर सिर्फ एक बैटल के अंदर 3 लेजेंडरी या मिथिकल पोकेमॉन्स को यूज कर सकता है, यानी कि एक बैटल में उसके पास मैंडेटरी 3 नॉन लेजेंडरी पोकेमॉन्स होने ही चाहिए, जिससे पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप और भी ज्यादा एक्साइटिंग हो जाएगी। पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में टोटल 68 ट्रेनर्स ने पार्टिसिपेट किया है। पहले राउंड होने के बाद टोटल
34 ट्रेनर्स बचेंगे और फिर थर्ड राउंड में बचेंगे 17 ट्रेनर्स। फिर उन 17 ट्रेनर्स के बीच में एक टास्क होगा एंड उस टास्क में सिर्फ एक ही ट्रेनर एलिमिनेट होगा, यानी कि 16 ट्रेनर्स बच जाएंगे। फिर फोर्थ राउंड में सिर्फ और सिर्फ टॉप 8 ट्रेनर्स बचे रहेंगे, उसके बाद का रोल तुम्हें आगे जाकर पता चल जाएगा। सब बिल्कुल रेडी और गियर्ड अप होते हैं पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप के स्टेडियम में एंटर करने के लिए। बोर्ड पर सबको अपने अपने पहले अपोनेंट्स पता चल जाते हैं। ऐश का पहला अपोनेंट और कोई नहीं बल्कि ओल्ड मैन था, जिसको देखकर ऐश और ओल्ड मैन दोनों ही शॉक रह जाते हैं, यानी कि उनमें से एक ट्रेनर डेफिनेटली एलिमिनेट होने वाला है। वो लोग एक दूसरे को स्माइल देते हैं। अब सिर्फ 5 मिनट बचे हुए थे पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप स्टार्ट होने के लिए और स्क्रीन पर एक ट्रेलर आता है पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप। पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप, यहाँ पर हर साल काफी सारे ट्रेनर्स अपने ड्रीम पूरी करने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं, बट उनमें से कुछ ही सफल हो पाते हैं। अभी तक कोई भी पोकेमॉन मास्टर को डिफीट नहीं कर पाया है। पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप हर 10 साल में एक बार होती है और यहाँ पर काफी सारे पोकेमॉन्स अपने ट्रेनर्स को जिताने की कोशिश करते हैं। क्या ये वो पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप होने वाली है जहाँ पर फाइनली हमें एक नया पोकेमॉन मास्टर देखने को मिलेगा? इसी के साथ पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप स्टार्ट हो जाती है। सारे ट्रेनर्स एक एक कर बैटल करते हैं। ऐश और ओल्ड मैन की बैटल लास्ट में होने वाली थी। उनको बताया जाता है कि उनको 3 दिन वेट करना पड़ेगा अपने बैटल के लिए, क्योंकि सारी बैटल प्रॉपर 6-on-6 बैटल होगी और एक ही स्टेडियम है, जिसके चलते काफी टाइम लगने वाला है। तब तक के लिए तुम स्टेडियम में बैठकर सारी बैटल एंजॉय कर सकते हो। ऐश और ओल्ड मैन सारी बैटल्स एंजॉय करते हैं। उनको देखने को मिलता है कि पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स ने पार्टिसिपेट किया है। उनके पास काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स हैं जिनको ऐश या फिर ओल्ड मैन ने आज तक कभी भी नहीं देखा था, और कुछ काफी स्ट्रॉन्ग फेनोमेनास भी है। हर बैटल बिल्कुल इंटेंस होती है। ब्रॉक बोलते हैं कि यहाँ के ट्रेनर्स तो काफी पावरफुल है। पोकेमॉन मास्टर चैंपियनशिप जीतना तुम्हारे लिए काफी डिफिकल्ट होने वाला है। ऐश बोलता है कि हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था कि यहाँ के ट्रेनर्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, बट मेरे पोकेमॉन्स भी वीक नहीं है। ऐश और ओल्ड मैन ये देखकर काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं कि वहाँ पर कुछ ऐसे ट्रेनर्स भी थे जो कि सिंगल हैंडेडली सामने वाले ट्रेनर के 6 पोकेमॉन्स को डिफीट कर दे रहे थे अपने एक पोकेमॉन का यूज करके, जिससे पता चलता है कि यहाँ पर कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स हैं। ऐसे ही एक एक कर काफी सारी बैटल्स होते जाती है और धीरे धीरे कर ऐश और ओल्ड मैन की बैटल पास आते जा रही थी। ऐश और ओल्ड मैन को बुलाया जाता है। उनको बताया जाता है कि अब से कुछ टाइम में उनकी बैटल स्टार्ट होने वाली है, अपने पोकेमॉन्स को चूज करके रेडी रहो। ऐश और ओल्ड मैन स्टेडियम के एंट्रेंस में चले जाते हैं, जहां पर वो पोकेमॉन सेंटर से अपने अपने पोकेमॉन चूज कर लेते हैं।